मंडी जिला में कोरोना टीकाकरण से पहले इसे लेकर बड़े पैमाने पर पूर्वाभ्यास किया गया। जिला में 111 स्वास्थ्य संस्थानों में टीकाकरण का ड्राई रन हुआ। उपायुक्त मंडी ऋत्विक ठाकुर वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्वयं श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नीरचौक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रति में आयोजित ड्राई रन में उपस्थित रहे। यहां उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत भी की। बाद में उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नीरचौक में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तथा टीकाकरण अभियान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना टीकाकरण को लेकर जिला में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे लेकर पूरा मैकेनिज्म विकसित करने के साथ कोल्ड चेन परिवहन व भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के संबंध में व्यवस्थागत क्षमता और तत्परता का आकलन करने के लिए जिला में 111 केंद्रों पर ड्राई रन किया गया। इसमें चयनित लाभार्थियों ने भाग लिया तथा भारत सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार वैक्सीन लगाने के लिए बैठने की व्यवस्था, आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन तथा टीकाकरण की संपूर्ण प्रक्रिया, वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटे आराम, टीकाकरण स्थलों पर सुविधाओं की उपलब्धता तथा कोविन पोर्टल में डाटा एंट्री जैसे कार्यों को परखा गया। ऋत्विक ठाकुर ने कहा कि टीकाकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि लोगों की बेहतर तरीके से देखभाल की जा सके। टीकाकरण कार्य के सुचारू निष्पादन व निगरानी के लिए कोविन पोर्टल का इस्तेमाल होगा। इसके जरिए लाभार्थियों के पंजीकरण से लेकर टीकाकरण तक की सारी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। जिला मंडी में आज कोविड वैक्सीन को लेकर ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिला मंडी के जो हमारे 111 सेंटर्स हैं वहाँ सभी सेंटर्स पे आज ड्राई रन हो रहा है। इस ड्राई रन में कुछ बेनिफिशरीज भी आइडेंटिफाई किए हैं जो इस ड्राई रन में पार्टिसिपेट करेंगे, और इसकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रोटोकॉल इसमें दर्शाया है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटी दी है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर एक्चुअल वैक्सीन को देने के बाद, आखिर में जब वैक्सीन देने के बाद उनको रेस्टिंग के लिए आधे घंटे के लिए व्यवस्था करनी है, इसकी पूरी सभी जगह पर सभी लोकेशंस पे आज ड्राई रन हो रहा है। अभी हम विशेष नीरचौक मेडिकल कॉलेज में हैं। नीरचौक मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो यहाँ पर हैं, और इस वजह से जिला मंडी की जो वैक्सीन का सेंटर होगा वो सबसे ज़्यादा एक सेंटर पे अगर कहीं है तो यहाँ पर नीरचौक मेडिकल कॉलेज में होगा। इसको आज पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, जिसको सभी सीनियर डॉक्टर्स भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और एक एक चीज़ इसमें देखी जा रही है। एप्लीकेशन जो बनाई है, कोविन एप्लीकेशन जो भारत सरकार की बनाई है, उसको टेस्ट किया जा रहा है कि उसमें सबका जो डेटा पहले से प्री एंटर्ड है उसकी वेरिफिकेशन, और उसके बाद उनको जब वैक्सीन दे देंगे तो उसमें एंट्री हो रही है कि वैक्सीन दिया गया है। और साथ ही साथ जो दूसरी व्यवस्था करनी है कि जब किसी को वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाए उसके बाद में उसको गाइड करना है, उसको वहाँ पर बिठाना है, और इस पूरी व्यवस्था को स्टार्ट से लेकर एंड तक आज सभी जगह पर यह आयोजित हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। शायद ऐसे ही समय जब एक ये बीमारी हमारे पास कोरोना वायरस की ऐसी है कि 100 साल में एक बार इस तरह की बीमारी आती है, तो अब जब वैक्सीनेशन का चैलेंज है जिसमें ये इतनी पूरी आबादी है, इसको पूरे वैक्सीनेट करना, उसके लिए जो प्रोसेस है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और पूरा फोकस अब हमारा इसी पे है कि हम प्रोसेस को देखें कि प्रोसेस हमारा ठीक है कि नहीं है, और इतने सारे लोगों को हम चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेट कर पाएंगे। इस चीज़ सब ड्राई रन चल रही है। इसके पहले हमने कोल्ड स्टोरेज भी देखा है, सभी जगह पर हमारी व्यवस्था है कि वैक्सीन को जो उसकी रिक्वायरमेंट है 2 से 8 डिग्री तक स्टोर करने की, वो व्यवस्था भी चेक की है। इसके पहले रत्ती हमारा सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर भी इसको चेक किया गया है, वहाँ पर वैक्सीन स्टोर के लिए भी व्यवस्था की गई है ताकि हमारे सब वैक्सीन जैसे आएगी तो वहाँ पर स्टोर होगी, एडमिनिस्टर होगी, दूसरी वैक्सीन आएगी, तो इस पूरे जो सप्लाई चेन है इसका भी जाँच की जा रही है ताकि हम पूरे तरीके से तैयार रहे और जब वैक्सीनेशन हमारा शुरू हो तो चरणबद्ध तरीके से हम पूरी पॉपुलेशन को कवर करें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र शर्मा, नीरचौक मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य आरसी ठाकुर, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक जीवानंद चौहान, जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश ठाकुर, खंड चिकित्सा अधिकारी रति पुष्प राज ठाकुर भी उपस्थित रहे।